गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उपराजधानी दुमका में तिरंगा लहराया। इस मौके पर सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानू और इसी के साथ साथ तमाम अमर शहीदों को याद भी किया। उन्होंने सभी गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को बधाई दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज्य की उपलब्धियां भी उन्होंने मौके पर गिनवाई। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है, साथ ही साथ 1932 के खतियान और आरक्षण संबंधित विधेयक को पारित भी किया जा चुका है। आपकी सरकार आपके द्वार के तहत लोगों के उनके घर जाकर समस्याओं का निदान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लागू की गई गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिक्र भी इस दौरान उन्होंने किया। आपसे किए हर वादे को हम पूरा करेंगे और हमने वादा किया था राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे सरकारी कर्मियों के इस। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारे सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से राज्य में पुराना पेंशन योजना को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया है। मुझे आप सबको यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत 1 वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46% मदरसों एवं 33 प्रस्कृत संस्कृत विद्यालयों के लिए अनुमानित अनुदान की राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए हमारी सरकार विगत वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंद को अपनी जीविका को सुदृढ़ करने हेतु गांव टोला हर घर हर दरवाजे तक पहुंचकर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में लगभग 55 लाख लोगों ने अपने आवेदन समर्पित किया है एवं उनका संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृत संकल्प हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में 100% नामांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखंड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य के श्रेणी में आएगा।
राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IITs, IIM जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।